पलामू जिले के सतरबा प्रखंड में लगभग 8 करोड़ की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र सरकारी उपेक्षाओं के कारण भूत बंगला बन गया है। सरकार की तरफ से सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आलम यह है कि विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी पैसों के दुरुपयोग होने के कारण ये स्वास्थ्य केंद्र भूत बंगला बनकर रह गया है। भवन में चारों तरफ घने जंगल उगाए हैं, भवन के अंदर कचरे का अंबार लगा है। छोटा स्टाफ क्या कर सकता है, उनको रखा गया दिन में सर सफाई के लिए देख रेख में है। यहाँ की क्या जर्जर स्थिति में? जर्जर स्थिति तो पूरा भयानक हो गया है, माने समझिए कि एकदम जर्जर स्थिति है। ये तो थोड़ा सा मेन बिल्डिंग है कि देख रेख में ठीक है, बाकी बिल्डिंग तो और स्थिति खराब है। इसको मैंने चालू अगर अच्छा से होता तो अच्छा रहता, बेकार के ये बिल्डिंग खराब हो रहा है दिन प्रतिदिन। हाँ, लोग बाहर तो जाते हैं इलाज के लिए, आते हैं कि नहीं आते? खुला रहने पर पेशेंट तो आता ही है, और दवा वगैरह मिलता था, अच्छा चलता था, समझ गए ना। शुरू बार तो 50-60 रोगी पर डे यहाँ देखा जाता था, लेकिन फिलहाल व्यवस्था नहीं है जिसके चलते नहीं हो रहा है। विभागीय अधिकारियों की देखरेख के अभाव में लाखों रुपए की लागत से बना ये केंद्र आज जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। अस्पताल की सारी खिड़कियां व दरवाजे टूट चुके हैं, छतें चूने लगी हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल का संचालन शुरू होता तो लोगों का बेहतर इलाज हो पाता। तब से मान के चले चालू नहीं हुआ कुछ, मतलब कुछ दिन तक एकाग मतलब डॉक्टर बैठे, उसके बाद वो भी चले गए। कुछ दवा मिलता था, मगर देख ही रहे हैं जर्जर कैसा स्थिति है, सब पूरा का पूरा सब खराब हो गया है। यहाँ अगर खुल जाता तो बहुत सारा मतलब बेरोजगार, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार कहीं है तो यहीं पर मतलब दुसुमा पंचायत में है, और कुछ रोजगार मिलता। यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, इलाज की व्यवस्था रहता तो बाहर नहीं जाना पड़ता। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं सब, तो वहाँ पर नहीं जाना पड़ता, सुविधा रहता यहाँ पर, वो सब नहीं हुआ। मतलब सब मतलब जो भी आदमी पूरा सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ होगा सरकार क्या थी, मगर कुछ ऐसा होती है। यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है दूसरे ज़िला में, और यहाँ चालू होता तो बहुत अच्छा रहता हम लोग के लिए, गांव टोला के लिए सब सही रहता। चालू हो जाता तो इलाज होता, मुफ्त में इलाज होता, सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ था। तो हम लोग को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस नहीं चालू होने से। सरकार से मांग करते हैं कि भवन को फिर से बना के अच्छा सही मतलब चालू किया जाए, जो कि हम लोग को जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत दूर हो जाए, है ना। हम लोग जो बाहर जाना पड़ता है, हम लोग को रात बिरात दिक्कत हो जाता है बीमारी में, है ना, तो अच्छा रहता। स्थिति क्या है? स्थिति तो पूरा ख़राब है सर, करोड़ों रुपया जो सरकार का जो ये हो गया बर्बाद, ये तो फालतू है ना सर। एक तरफ सरकार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। कोरोना महामारी के बावजूद भी पंचायतों में बने स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जीर्णोद्धार करने की जरूरत अधिकारी समझ नहीं रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पलामू से प्रभु दयाल की रिपोर्ट।